बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दुनिया को अलविदा कहने के बाद कई गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगे थे और साथ ही साथ पहली बार खुलकर कई बड़े सेलिब्रिटीज ने इस बात को स्वीकार किया था कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म हावी है। इसी बात को लेकर रिया चक्रवर्ती को भी घेरा गया था कि वो नेपोटिज्म के चलते लगातार लाइमलाइट में थी और दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के लिए सबसे ज्यादा उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया गया था। वहीं इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हुए और सलमान खान को भी घसीटा गया। कई लोगों ने सलमान खान का बायकॉट करने की बात कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि सलमान खान बॉलीवुड में नेपोटिज्म को काफी ज्यादा तवज्जो देते हैं। आपको बता दें, अभी खबर सामने आई है कि सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में रिया चक्रवर्ती नजर आएंगी और वो सलमान खान के साथ नजर आएंगी। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती को स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया है। एक तरफ बिग बॉस 15 के व्यूवर्स इस बात को लेकर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जितने भी फैंस हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को दिलोजान से प्यार करते हैं उनमें खासा रोष नजर आ रहा है। वो बिग बॉस को बायकॉट करने की बात कह रहे हैं और काफी ज्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं इस बात को लेकर कि एक लड़की जिसका नाम रिया चक्रवर्ती है, एक एक्ट्रेस है, उन्हें बिग बॉस 15 में क्यों लाया जा रहा है। वेल, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट छोड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।